दिवाली का त्योहार आने वाला है, सभी लक्ष्मी पूजन की तैयारी करने में जुटे हैं। ऐसे में अगर आपने भी दिवाली पूजन की पूरी प्लानिंग कर ली है तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो आप नहीं जानते होंगे। दरअसल वैसे तो साल भर माता लक्ष्मी की पूजा की जाए तो लाभ होता ही है, लेकिन दिवाली पर देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से खास फल मिलता है। उन्हें भोग लगाने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है। ये समय देवी लक्ष्मी की पूजा का खास समय होता है। ऐसे में सवाल आता है कि माता को भोग क्या लगाएं? इसी कड़ी में लोकल 18 ने हरिद्वार के ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री से बात की। उन्होंने हमें इस बात की जानकारी दी जो आपको भी पता होनी चाहिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दीपावली का पर्व कार्तिक अमावस्या की कार्तिक मास की अमावस्या को विधि विधान से मनाया जाता है और हमारे सनातन धर्म में इसका बहुत विस्तार पूर्वक पूजा की जाती है और पूरा हमारे सनातन धर्म धर्मावलंबी इस पर्व पर बहुत ही व्यस्त रहते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा से धन धान्य की कमी नहीं होती, जीवन में सभी चीज अच्छी चलती है, साथ ही देवी लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी वजह से दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा का खास महत्व है, साथ ही दीपावली पर गणेश जी की भी पूजा की जाती है। ऐसे में चलिए ये जानते हैं कि दीपावली पर माता लक्ष्मी को क्या भोग लगाएं, इस बारे में ज्योतिष आचार्य क्या कहते हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। हम सायंकाल के समय माँ लक्ष्मी और गणेश जी की हम उपासना पूजा करते हैं तो उसमें विशेषकर क्या होता है कि जो माँ सरस्वती को माँ लक्ष्मी जी को खीर भी बहुत पसंद है, क्योंकि श्वेत अन्न जैसा कि चावल होता है, चावल से खीर बनती है और रक्त वर्ण जो है लाल रंग दो बहुत प्रिय होते हैं, तो इस दिन खीर का भोग अवश्य लगाएं और गणेश जी और लक्ष्मी जी इनका पूजन विशेष होता है। क्यों? इन दोनों की ही कृपा से धन धान्य की वृद्धि होती है और गणेश जी की पूजा के बिना लक्ष्मी जी की पूजा भी अधूरी है। इसीलिए जब हम शाम के समय पूजा करते हैं और माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग अवश्य लगाएं। तो आज किस वीडियो में अपने जाना कि माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता लक्ष्मी को दूध और चावल सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। दीपावली के दिन खीर का भोग लगाने से शुक्र दोष खत्म होता है, तो ऐसे में इस दीपावली माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना ना भूलें। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे लोकल 18।